नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 11S वर्सेस Xiaomi Redmi 10 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 11S में 6.29 इंच जबकि Redmi 10 2022 में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 11S में 2.91 इंच जबकि Redmi 10 2022 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 11S में 0.31 इंच जबकि Redmi 10 2022 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 11S से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 11S में 179 ग्राम्स जबकि Redmi 10 2022 में 181 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 11S में AMOLED जबकि Redmi 10 2022 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 11S में 6.43 इंचेस जबकि Redmi 10 2022 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 11S में 84.64% जबकि Redmi 10 2022 में 83.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 11S में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi 10 2022 में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 11S में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10 2022 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 11S में Mali G57 MC2 जबकि Redmi 10 2022 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 11S में MediaTek Helio G96 और Redmi 10 2022 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 10 2022 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 10 2022 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 11S में अप टू 1TB जबकि Redmi 10 2022 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 10 2022 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 11s में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10 2022 की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11s आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11s आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 11s आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix 08i है, दूसरा Vivo Y51 2020 है, तीसरा Realme Nazo 30 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A52 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।